आलिंगन करते मोदी उभयों मध्य बेस किसी समय धरी कथबार्ता होता यापर भारत आसवाक पोप फ्रांसिस को निमंत्रण देते प्रधानमंत्री। सेपटे जि सेवेन सम्मेलन में भारत आमेरिका ब्रिटेन कानाडा जर्मानी इटाली जापान और फ्रांस राष्ट्र मुख्य स्वागत करते इटाली प्रधानमंत्री जर्जिया मेलोनी सम्मेलन में स्थान पाव प्रतिरक्षा सुरक्षा और सामुद्रिक सहयोग प्रसंग रशिया युक्रेन और इस्राएल गाजा युद्ध आलोचना। जि सेवेन सम्मेलन पूर्व ब्रिटेन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक फ्रांस राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रोन युक्रेन राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की आलोचना करते सुनक सहित द्विपाक्षिक आलोचना करते मोदी यह अवसर में रक्षा व्यापार सहित अनेक प्रसंग में आलोचना होता। सेभली फ्रांस राष्ट्रपति प्रतिरक्षा परमाणु महाकाश और शिक्षा प्रसंग में आलोचना होता। आगक किभली दुई देश मध्य संपर्क आहरी मजबूत होता फोकस करते दुई देश राष्ट्रमुख्य यापर युक्रेन राष्ट्रपति वोल्दिमीर जेलेंस्की द्विपाक्षिक आलोचना करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया युक्रेन मध्य लग रही युद्ध स्थित उपर आलोचना होता। भारत सबुले युद्ध विरोधी और शांति बजाय रखा विश्वास कैसे पीएम मोदी आलोचना माध्यम समस्या समाधान भारत मूलर कही चली जि सेवेन सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी सहित एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल जाते भारत मुख्यतः प्रतिरक्षा सुरक्षा और सामुद्रिक सहयोग पर आलोचना कर आज ओडिशा आसिबो कुएतरे पोड़ी हुई प्राण हर दुई ओडिया मरशरीर भुवनेश्वर पहुंचा पर जन्ममाटी पठा दुई मृतक हेले गंजाम जिला पुरुषोत्तमपुर ब्लॉक रणझाली गांव संतोष गौड़ और कटकर मोहम्मद जहूर गत दुई वर्ष धरी कुएतर एक कंपानी में काम करते संतोष गौड़ गत मार्च मसरे बापा हार्ट ऑपरेशन निज घर को आसी पुनी कुएत जाते संतोष को मृत्यु खबर शुणा पर परिवार एवं गांव में शोकर छाया खेली जापरी कटक मोहम्मद जोहर दुर्घटन प्राण हर जहां नहीं तिग्रिया थाना करणापल्ली गांव में शोकाकूल परेश जोहर निकट में बाहर बेले पत्नी सात मसर गर्भवती अच्छा पर साज्य नहीं गांव लोके निवेदन करते गत बुधवार राति में कुएत मंखरे एक घरे शोवा समय हठात अग्निकाण्ड घटी यह अग्निकाण्ड में 45 भारतीयों मृत्यु होता यहां शुक्रवार भारत में पहुंची 45 जन मरशरीर भारतीय वायुसेनार स्वतंत्र विमान में मृतकों शरीर केरल कोची में पहुंची एथिपाई केरल विमानंदर में अनेक गुड़े एम्बुलांस अपेक्षा कर ब्रिटिश अमल कार्यकारी हो आसुवा क्रिमिनाल ल अपराध नियंत्रण आईन बदल में कार्यकारी हो भारतीय न्याय संहिता यह आईन में हत्या शारीरिक निर्यातना आघातर कारण साजा अपराध रे पूर्व भली दंड विधान व्यवस्था थिबा बेले संगठित अपराध आतंकवाद संघबद्ध आक्रमण एवं हत्या को नुआ श्रेणीर अपराध भावे विवेचना करा जाय छि। भारतीय न्याय संहिता रे आतंकवाद कार्यकलाप मृत्युदंड किंबा आजीवन कारादंड बा कारादंड सह जुरिमाना दिया जाय पारिबो अपहरण दादाबटी आर्थिक हेरफेर साइबर क्राइम को संगठित अपराध श्रेणीभुक्त करा जाय छि। ये सबु अपराध पई आजीवन कारादंड थाटू मृत्युदंड पर्यंत व्यवस्था रही छि। भिड़ हिंसा पर सर्वाधिक 7 वर्ष जेल दंडर व्यवस्था रही भारतीय न्याय संहिता रे। जाति वर्ण को आधार करी 5 रु अधिक व्यक्ति मिशि जदि कोनोसी व्यक्ति को गुरुतर आघात करती तेरे यहाँ दंडनीय अपराध बोली विवेचना करा जिवो से अनुसार दंड विधान भी दिया जिवो महिला को जौन निर्यातना संपर्कित अपराध में कठोर दंड व्यवस्था रही नुआ आईन रे। नाबालिका दुष्कर्मकारी मृत्युदंड दि जापर गण दुष्कर्म मामलें सर्वाधिक 20 वर्ष किंबा आजीवन जेल दंड दिया दुष्कर्म मिथ्या प्रतिश्रुति शारीरिक संपर्क रखा महिलाओं व्यक्तिगत आचरण को गोपन में रखा भली कार्य को गुरुतर अपराध भाव विवेचना कर आईपीसी जौन उद्दीपना संपर्कित अपराध को भारतीय न्याय संहिता उच्छेद कर भारतीय न्याय संहिता देशद्रोह अपराधर संज्ञा को व्यापक कर विच्छिन्नतावाद विध्वंसकारी कार्यकलाप सशस्त्र विद्रोह कले देशद्रोह मामला रुजुवा देशर सार्वभौमत्व एवं अखंडता प्रति विपद सृष्टि कले देशद्रोह मामला करा पारिबो कथित लिखित संकेत किंवा आर्थिक सहायता दे विच्छिन्नतावाद को प्रोत्साहन देले मध्य ताहा देशद्रोह अपराध भावे विवेचना करा जिवो। अवहेलार मृत्यु अपराध में आईपीसी में 2 रु 5 वर्ष पर्यंत दंडादेश को अपराध न्याय संहिता उठाई देती किंतु यदि ए क्षेत्र में डाक्तर रिपोर्ट आधार में अवहेला प्रमाणित हुए तेरे दोषी को सर्वनिम्न 2 वर्ष पर्यंत दंडादेश व्यवस्था रखा
ब्रिटिश अमलरु चालुथवा एई आयन गुडीक राज्य गुडीक रे किभळी कार्यकारी हबो सेनी शुक्रवार सबु राज्यर पुलिस डीजीक सह गृह मंत्रालय पक्षरु एक बैठक बसीथिला। आईएएस अफिसरक सह आलोचना कले मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। राज्य अतिथि भवन रे मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारी को डकाई विभिन्न काम बाबद पचारि बुझिछंति। मुख्यमंत्री भाव दायित्व नेबा परे प्रथम थर पई विभागीय सचिव को डकाई राज्यर विभिन्न उन्नयनमूलक कार्यर समीक्षा करिछंति मुख्यमंत्री। विभिन्न कामर अग्रगति बाबद बैठक में पचारि बुझिछंति। बैठक में जोग देते मुख्य शासन सचिव प्रदीप जेना, उन्नयन कमिशनर अनु गर्ग, अर्थ विभाग सचिव विशाल देव, कृषि विभाग सचिव अरविंद पाढ़ी सह बहु वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। बैठक पर मुख्य शासन सचिव ओडिशार सामग्रिक विकास संपर्क में मुख्यमंत्री को अवगत करा। राज्यर जनसंख्या, राज्यर भौगोलिक स्थिति और कौन कौन काम कर विषय मुख्यमंत्री पचारि बुझिछंति। आगू कौन कौन चैलेंज रही से विषय में मुख्यमंत्री विस्तृत आलोचना करिछंति। आगामी तीन चार दिन में आहुरी तीन चार बैठक ने मुख्यमंत्री। गुरुवार संसदीय व्यापार विभाग सचिवों सह मुख्यमंत्री आलोचना करते। बीजेडी सरकार दीर्घ 24 वर्ष धरी शासन करने विभिन्न काम को नहीं प्रकृत में कौन स्थिति रही से विषय जानवाक चाहते मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। सांगे उपमुख्यमंत्री कनक वर्धन सिंह देव, प्रभाती परिडा उपस्थित थे। नेट विवाद को नहीं शिक्षामंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का प्रतिक्रिया। नेट प्रसंग में विरोधी को काउंटर कर धर्मेन्द्र प्रधान। से कहते कांग्रेस और डीएमके परिस्थिति बुझिपार। डीएमके सबुबले यार विरोध करी तमिलनाडु एनटीए व्यवस्था आने को कहते एससी। सुप्रीम कोर्ट को समस्त आदेश पालन धर्मेन्द्र। स्नान पूर्णिमा और रथजात्रा को नहीं होती छत्तीसगढ़ नियोग बैठक। भक्त निवास में होता बैठक में स्नान पूर्णिमा नीतिकांति और प्रस्तुति सहित श्रृंखलित रथजात्रा उपर आलोचना। स्नान पूर्णिमा नीति निर्घंट को अनुमोदन करी छत्तीसगढ़ नियोग। अणसर 13 दिन पड़ रथजात्रा श्रृंखलित करने को नहीं हो आलोचना। श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक वीर विक्रम यादव अध्यक्षत अनुषित होता छत्तीसगढ़ नियोग बैठक। समस्त सेवायत नियोग प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रथम नीति सब कमिटी बैठक में राजेन्द्र अभिषेक स्नान पूर्णिमा पर्यंत नीति निर्घंट स्थिर होती। छत्तीसगढ़ नियोग बैठक में नीति निर्घंट उपर आलोचना। छत्तीसगढ़ नियोग बैठक में राज्य सरकार नुआ मंत्रिमंडल को धन्यवाद ज्ञापन कर। राज्य सरकार कर्पस फंड 500 कोटी देशा नियोग तरफ धन्यवाद ज्ञापन कर। राज्य में सक्रिय होगा मौसुमी, आसंता 17 बढ़ वर्षा। दक्षिण ओडिशा प्रबल वर्षा नहीं सूचना। 18 तारिखर में दक्षिण ओडिशा रे हो वर्षा। मौसुमी वर्तमान कोरापुट रे सक्रिय रही बेले आगामी 3-4 दिन भितर आगक अग्रसर हो। गतकाल उपकूल में प्राक मौसुमी वर्षा रही है किंतु उपकूल में गुळुगुळी लागि रही। आगामी 5 दिन जाए कालबैशाखी वर्षा विभिन्न स्थान रहा। 24 घंटे आभ्यंतरण ओडिशा सहित उत्तर ओडिशार किसी स्थान में हीट वेव रहा।